अंडे को उबाल कर उसका बचा हुआ पानी बच्चों को पिला दे, बच्चा जल्दी बोलने लग जाएगा। उस बंदे के रिस्क में कमी हो जाती है जो टूटे हुए बर्तन में पानी पीता है। औरतों के साथ कम बातचीत करने में भलाई है। सर में शदीद दर्द हो तो थोड़ा सा जीरा सर में डालो, सर दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा। बकरी की चर्बी पालक में मिलाकर खाने से आपके जिस्म को बेपनाह ताकत मिलती है। नीले कपड़े पहनकर सो जाएं, आपको मक्खी और मच्छर तंग नहीं करेंगे। हामला ख्वातीन को भैंस का दूध पिलाओगे तो उनका बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। जो शख्स अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है तो उस पर अल्लाह ताला का एक दूसरा शुक्र वाजिब हो जाता है कि अल्लाह ताला ने उसको शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाई। अंगूर से खुश्क मेवा यानी किशमिश भी तैयार किया जाता है और ये वो फल है जो साल भर आसानी से मिलता है और इंसानी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। तुम्हारी खामोशी बेहतरीन हुकमत का सादा सा जवाब है। खरबूजा खाने से वज़न में इजाफा और जिस्म की बेहतर नसोनुमा होती है। सुबह सूरज तलू होने से कबल एक चुटकी कच्चे चावल खा लेने से जिगर मजबूत रहता है। टीके की जगह सूजन की सूरत में बर्फ़ की टकोर करें, सूजन में भी कमी हो जाएगी और दर्द में भी आराम आएगा। गला बैठ जाने की सूरत में नीम गर्म पानी में हल्का नमक मिलाकर गरारे करें या फिर थोड़ी सी मल्टी चबा लें। दिन के खाने के साथ प्याज के सलाद का इस्तेमाल जिस्म को हर किस्म के मौसमी असरात से महफूज रखता है। नींद ना आए तो पानी के अंदर जीरा को जोश देकर पीने से फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। दूध को गाढ़ा करना है, इसमें चंद दाने किशमिश डाल दो, फौरी गाढ़ा हो जाएगा। नाश्ते में खजूर खा लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। बार बार पेशाब की हाजत होती है तो एक चटांक भुने हुए चने खाकर ऊपर से गुड़ खा लें, हफ्ता लगातार करें। जानबूझकर चूटियों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों पर पांव रखने से रिस्क तंग हो जाता है। पुदीने का कहवा बलगम को ख़त्म करता है, मतली और कैक को रोकता है। कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज खाने से मुंह से बदबू आने लगती है। अदरक का टुकड़ा चबाकर खाने से इंशाल्लाह बदबू ख़त्म हो जाएगी। दोपहर के वक्त एक घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ्फुज़ देती है। आटे में सौंफ मिलाकर रोटी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जब इंसान के बुढ़ापे का आगाज़ हो तो अकवाल ज़री अच्छे लगने लगते हैं। अंग्रेज़ी इलाज के बजाय देसी इलाज पर यकीन पुख्ता हो जाता है। शौहर के लिए बनाव सिंगार करना औरत का हक है और उस पर औरत को अजर मिलता है। चाय पीने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और फिर गैस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है।